channel Angel Gabriel Jarrett, and today I'm just video for the India, and many people are asking that whether in India the fourth wave will come or not. Let's see what are the messages, whether there will be fourth wave India mein aayegi ki nahi aayegi. Pehle main yahi prashn puchungi. Mere aas paas jo bhi divine energies hain, positive energies hain, please mujhe bataen ki kya India mein fourth wave कोरोना वायरस की आएगी. अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि फोर्थ वेव आएगी इंडिया में. फोर्थ वेव के लिए नेगेटिव आया हुआ है. मैं इसमें ही पूछ लेती हूँ कि क्या 2022 में इस ईयर में क्या फोर्थ वेव आएगी भारत में. फोर्थ वेव, थर्ड वेव गुजर गई, फोर्थ वेव फ्यूचर में कभी भी आएगी इंडिया में. अगर ऐसा है 2022 में अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा. नेगेटिव कार्ड है, अगेन नेगेटिव कार्ड है. फोर्थ वेव इंडिया में पॉसिबिलिटीज नहीं दिखा रहा है. लेट्स सी एनी वायरस विल कम. क्या कोई वायरस आएगा और डैमेज करके जाएगा, बहुत सारी कैजुअलिटीज होंगी. अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा. नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी. वायरस आएगा और वायरस यहाँ पे दिखा भी रहा है कि मैंने पहले भी बोला था कि वायरस की एंट्री तो होगी फ्यूचर में, कभी कोई ना कोई वायरस नहीं आएगा. मैं इसमें पूछ लेती हूँ अगर डेथ कैजुअलिटी बहुत हाई लेवल पे होगी जैसे कि सेकंड वेव में हुई थी, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि बहुत सारे लोग जो है डेथ हो सकती है फ्यूचर में 2022 में. नेगेटिव कार्ड है. मैंने पहले ही बताया था कि इसमें डेथ कैजुअलिटीज नहीं होंगी. वायरस आएगा, एक जनरल फीवर होगा, लोग ठीक हो जाएंगे इस तरीके से क्योंकि सब लोग वैक्सीनेटेड हैं ऑलमोस्ट इंडिया में. तो पिछले प्रेडिक्शंस में भी ये चीज़ आ रही थी कि फोर्थ ये जो वायरस है वो तो एंट्री करेगा, नो डाउट. लोग जो है हो सकता है कि फीवर आए, उनको एक सिम्टम्स हो, खांसी जुकाम के सिम्टम्स हो, लेकिन जनरल दवाइयाँ लेके हो सकता है ठीक हो जाएं. डेथ कैजुअलिटीज होने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत हायर लेवल पर नहीं दिखा रहा, जैसे कि सेकेंड वेव में हम सब सफ़र कर गए थे, तो वो चीज़ नहीं दिखा रहा है. लेट्स सी 2023 में क्या फोर्थ वेव आएगी. मैं बस एक ऐसी चेक कर रही हूँ 2023 में कोई वायरस आएगा और सेकेंड वेव जैसे डेथ कैजुअलिटीज़ हुई थी, क्या वही चीज़ दोबारा से 2023 में रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इंडिया में. नहीं है, नेगेटिव कार्ड है. बहुत हाई लेवल पर डेथ कैजुअलिटीज़ तो नहीं दिखा रहा इंडिया में. मैं एक बार इसको फिर से क्लियर कर लेती हूँ दूसरे तरीके से कि पूछ करके कि क्या 2023 में फोर्थ वेव आएगी, क्या चौथी लहर आएगी वायरस की, कोरोना वायरस की, जिसमें बहुत सारे लोग एकदम से डेथ कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी 2023 में. अगर ऐसा है कि फोर्थ वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी नो डाउट, वेव आएगी, लेकिन बहुत जो है नो डाउट कि लोगों को, जैसे कि मैंने बोला ना कि फोर्थ वेव में हो सकता है कई लोग बुखार आए, सब कुछ आए, लेकिन बच जाएंगे क्योंकि वैक्सीनेशन अब जाके सबका जो है एक तरीके से, जिन लोगों ने नहीं कराया था वो सब भी करवाया, उन लोगों ने एक विश्वास बना कि हाँ वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है कि डेथ कैजुअलिटी बहुत हैवी लेवल पे नहीं दिखा रहा है जैसे सेकंड वेव में हुआ था, क्योंकि अब सब सतर्क हैं नो डाउट. गवर्नमेंट भी और आयोग की तरफ से भी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ठीक है कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि डेथ कैजुअलिटीज़ बहुत हाई लेवल पर नहीं होंगी, लेकिन हम सभी को लापरवाही नहीं बरतनी है. सभी को जो है चाहिए कि वो प्रिकॉशंस उठाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, उचित दूरी बना के रखें. आयोग की तरफ से जो भी डाइट में आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हैं करिए. वायरस तो आएगा ही आएगा, इसमें कार्ड्स में भी दिख रहा था मैसेज है कि वायरस आएगा नो डाउट. फोर्थ वेव भी 2023 में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं. वायरस देखिए आएगा नो डाउट, लेकिन जो डेथ कैजुअलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जनता उसे बचने की बहुत कोशिश करेगी भविष्य में भी. तो बहुत हाई लेवल पर डेथ कैजुअलिटीज़ होना तो पॉसिबल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे. आई थिंक आपको क्लियर हो गया अगर जिसने पूछा था कि फोर्थ वेव से रिगार्डिंग क्वेश्चन था. थैंक यू सो मच.